assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. how are you all i hope so you all are fine and doing well inshallah welcome back to mind official today in this video i am sharing my little tutorial about eyebrow shaping सो so, ऐसा है कि मैं आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर लूं कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं बहुत बहुत तरह से प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने भी सिखाया है और जिनके चैनल्स हैं वो भी सिखा रहे हैं कि आईब्रो को शेप कैसे करते हैं सब कुछ लेकिन ये है कि मैं आज आप लोग को अपने तरीके से सिखाऊंगी कि मैं आईब्रो को शेप देना कैसा पसंद कैसे पसंद करती हूँ देखिए आईब्रो का हमारे मेकअप में बहुत मेन रोल होता है बहुत बुनियादी रोल होता है अगर आईब्रो अच्छी ना बनी हो तो पूरा मेकअप पूरे फेस की शेप जो है वो ख़राब हो सकती है तो मैंने यहाँ पर ब्राउन के जो है वो ब्रशेज ले लिए हैं ठीक है आप लोग कोई भी ब्रशेज हैं वो ले सकते हैं फ्लैट ब्रश वैसे तो कट ब्रश से लोग बनाते हैं यानी जो कट आपको पता है जो थोड़े से कटिंग में ब्रश होते हैं एंगल ब्रश भी जिसको आप कहते हैं वो वाला ब्रश जो है लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर लेकिन अमूमन बट मैंने यहाँ पर क्या किया थोड़ा मुख्तलिफ मैं जिस ब्रश के साथ अपने आप को कम्फर्टेबल फ़ील करती हूँ मैंने वही ब्रश यूज़ किया है और मैं यहाँ पर इस फ्लैट ब्रश के साथ जो है कंफर्टेबल हूँ ब्राउन कलर जो है वो मैंने ले लिया है आई एम सो सॉरी मुझे ये जो मैंने कलर लिया है वो ब्राउन है लेकिन ये किस ब्रांड का है ये काफ़ी पुराना मेरे पास कलर था आपको उसकी हालत देखकर अंदाज़ा हो गया होगा तो उसका नेम जो है वो वहाँ से मिट गया है तो मैं आपको नहीं बता सकी बट आप कोई भी जेल म्यूज़िक फ्लावर का इवन के म्यूज़िक फ़्लावर का मैंने ट्यूटोरियल भी रिव्यू भी शेयर किया था आपके साथ कि म्यूज़िक फ्लावर का जो जेल वाला जो लाइनर है ना उसको भी आप जो है एक्वा के जो है इतने अच्छे अच्छे शेड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं एक्वा के जो मिलते हैं एब्रो फिलर्स वो आप यूज़ कर सकते हैं सो so, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि आगे से मैं अपने जो फ्रंट से स्टार्ट करूँगी आईब्रो के और आउटर कॉर्नर तक उसको ले जाऊँगी इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए आउटर कॉर्नर तक ठीक है ब्राउन सा कलर जो मैंने लिया है अब ये तब कर रही हूँ मैं जबकि मेरी आईब्रो जो है वो बनी नहीं हुई मैंने आईब्रो नहीं बनवाई हुई अपनी मैंने क्या किया उसी रफ़ आईब्रो को जो है आप लोगों को बना के दिखाया है कि कैसे आप लोग रफ़ आईब्रो को कुछ लोग होते हैं लाइक आईब्रो बनवाना पसंद नहीं करते या उनको परमिशन नहीं होती या वैसे ही पसंद नहीं करते या नहीं किसी वजह से करवा सकते तो वो कैसे इसके ऊपर जो है आईब्रो को ईज़िली बना सकते हैं इसके बाद जो है आप कोई भी पेंसिल ले लें मैंने ब्राउन पेंसिल ली थी लव ब्यूटी की कलर नंबर टू आ, सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ शो होगा तो कोई भी मसला नहीं होगा इन तो यहाँ पर मैंने क्या किया अपना आर्ट्स जो है वो बना लिया थोड़ा सा उसको आ, मतलब थोड़ी शेप देने के लिए मैंने बना लिया है और फिर देन मैंने इस पेंसिल से अब क्या किया कि जो अपने मेरे जो नीचे नीचे हेयर्स थे आईब्रो के नीचे जो मैंने आपको बता रही हूँ आईब्रो नहीं बनवाई हुई थी उनको कवर किया इस लाइन इस पेंसिल से इस पेंसिल से मैंने कर ली कवर की पेंसिल मुझे बहुत पसंद है Uh, मैं इसको ऑफकोर्स अपनी आउटलाइन या लिपस्टिक के तौर पे भी यूज़ कर लेती हूँ और फिर देन इसको आप अपने इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं सो so, इसके ऊपर जो कैप है ना वो उसके आगे जो है एक कॉम से भी बनी हुई है छोटी सी जिससे हम कॉम करते हैं अपनी आईब्रो के हेयर्स को सो so, फिर मैंने लिया अपना थिन फ्लैट ब्रश जिससे मैं क्या करूँगी उसको भी दिन बाद में जो उसकी फिलिंग कर दूँगी ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जो है वो आईब्रो जो है वो बन गई है और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हो कि हम लोग नहीं बना सकते आईब्रो अगर हमारी नहीं बनी हुई नीट नहीं करवाई हुई हमने तो हम बना नहीं सकते बना सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर मैंने घबरीनी का ले लिया है मस्कारा एक्चुअली मस्कारा जो है वो फिनिश हो गया है और उसमें हल्का हल्का सा ब्लैक कलर जो है वो रह गया है थोड़ा थोड़ा सा आपको पता है वो बहुत लाइट लाइट सा फील होता है वो मैंने लगा लिया सो ऐसे ऐसे ब्रशेज़ जो हैं वो मार्केट से वैसे भी मिलते हैं इनसे आप जो है आप अगर समझते हैं कि फ़िलिंग करने के बाद आपका आईब्रो जो है वो खत्म मुकम्मल हो चुके हैं तो ये गलत है यहाँ पर जो है वो बहुत नकल सी और बहुत आर्टिफिशियल सी लुक आती है तो उसके बाद आप कोई भी ऐसा सा जो है स्पूनी या कोई भी ऐसा ब्रश जो है वो आप ले लें मस्कारे टाइप का जो होता है जो मस्कारे के हमारे मस्कारे खत्म हो जाते हैं है, उनके ब्रशेज़ को आप यूज़ कर सकते हैं उससे आप अच्छे से करें ताकि कलर जो है ना वो सारा अच्छे से ब्लैंड हो जाए आपके आईब्रो में ये मैंने म्यूज़िक फ्लावर का अब जेल वाला जो मैंने बताया था ना ब्रो फिलर लिया है और फिर उसको मैंने जो है थोड़ा सा मेरी जो लुक थी उसको और खूबसूरत बनाने के लिए अपने आईब्रो को प्यारा दिखाने के लिए मैंने लगाया एंड ये मेरी फाइनल लुक है आई होप सो आप लोग को बहुत पसंद आएगी एंड आई एम डैम श्योर यू लाइक इट अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू सो so मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी अल्लाह हाफिज़